दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। भाजपा और मुसलमान कितने दूर कितने पास हैं? देखिए डीबी भारती समाचार पर भाजपा के वरिष्ठ नेता याकूब हैदर जाफरी का खास इंटरव्यू बहराइच संवाददाता अशफाक खान के साथ। नमस्कार, मैं अशफाक अहमद खान, डीबी भारती समाचार के इस छोटे से इंटरव्यू में आपका स्वागत करता हूँ। कहते हैं कि भाजपा और मुसलमान राजनीति की दो ऐसी पटरियां हैं जिन पर लोकतंत्र की ट्रेन चलती तो है, मगर वो दोनों कभी साथ नहीं हो पाते। दूसरे शब्दों में कहें तो भाजपा का अस्तित्व ही मुसलमान विरोध पर ही टिका माना जाता है। आलोचकों का ऐसा आरोप हमेशा बीजेपी पर लगा रहता है। ऐसे में एक मुस्लिम मतदाता, एक मुस्लिम कार्यकर्ता को बीजेपी के लिए अपने समाज के लोगों को कन्विंस करना, उन्हें राजी करना कितने चुनौती भरा काम है, इन चीजों को जानने के लिए आज हमारे साथ भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं जावेद जाफरी साहब, और उनसे जानेंगे कि कितना चुनौती पूर्ण है ये बीजेपी के लिए अपने समाज के लोगों को कायल करना, और साथ ही जानेंगे कि क्या वजह है जो कि आखिर कौन सी नीतियां हैं जिनकी वजह से वो खुद बीजेपी से प्रभावित हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ली है। जावेद साहब, स्वागत है आपका। तो ये बताइए कि तमाम ऐसी पार्टियां थीं, फिर भाजपा ही क्यों? देखिए, भाजपा ही एक बात ऐसी पार्टी है जो बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी जात बिरादरी के राष्ट्रवाद की बात करती है, और राष्ट्रवाद का ही नतीजा है कि आज जो भी भारतीय जनता पार्टी की स्कीमें हैं, वो चाहे हिंदू समुदाय का हो, चाहे मुसलमान समुदाय का हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो, उसका वो फायदा मिल रहा है उसको। तो एक पूरा वर्ग विशेष समझ लीजिए 80% जो योगी जी ने कहा है वो भाजपा के साथ है, और जितने लोग लाभान्वित हुए हम 80% लाभान्वित लोगों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सब भाजपा के लिए जन सैलाब जन बहते चल रहा है। भाजपा का संकल्प पत्र आप अगर देखें तो उसमें ऐसा क्या आपको नजर आया? अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए खासतौर पर अगर बात करें तो उसमें क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं संकल्प पत्र बनाने में चूक हो गई या उनकी राजनीतिक मजबूरी? देखिए अशफाक जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं जानता हूँ कि आपने फील्ड में बहुत काम किया है। आपको बार बार ये बताया जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, ना कि समुदाय की बात करती है। आप संकल्प उठा के देखिए, अगर हमने MBBS की सीटें बढ़ाने की बात की है तो क्या उसमें सिर्फ हिंदू समाज के लोग पढ़ेंगे? मुसलमान समाज के लोग नहीं पढ़ेंगे उसमें। अगर हमने हर घर में रोजगार देने की बात की है तो क्या अल्पसंख्यक को रोजगार नहीं दिया जाएगा? अगर हमने गांव को बसों में जोड़ने की व्यवस्था की है तो क्या उसमें सिर्फ हिंदू सवारी करेंगे, मुसलमान सवारी नहीं करेंगे? ये विपक्षियों की एक चाल है और बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो जातवाद की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, इसलिए हमारा जो सबका साथ सबका विकास है और उसी पे हम अमल करते हैं। लेकिन भाई, जब आपके संकल्प पत्र में होली और दीपावली को लेके एक एक गैस सिलेंडर मुफ्त की बात की जाती है, और रमजान ईद को छोड़िए क्रिसमस तक में ये सोनापन दिख रहा है, तो इससे आलोचक तो कहेंगे ही ना कि आप मुस्लिम विरोधी हैं। नहीं नहीं अशफाक, देखिए ऐसा है कि हमारी पार्टी भेदभाव नहीं करती, सबके साथ सबके विकास से बात करती है, और ये समझ लीजिए प्रैक्टिकल है। अगर इसमें हम कामयाब होते तो और भी विचार किया जाएगा इसके लिए। अनुपमा जायसवाल यहाँ से सदर से भाजपा की प्रत्याशी हैं, उनकी पिछले कार्यकाल में आपको कौन सी ऐसी उपलब्धि लगी जो इस बार भी आप उनके साथ जोर शोर से लगे? देखिए, जो हालात थे, कोरोना काल था, बड़ी दिक्कतें थी, उस आधार को अगर आप देखिए तो जितना कार्य अनुपमा जायसवाल के कार्यकाल में हुआ है, बहराइच के किसी विधायक के कार्यकाल में इतना काम नहीं हुआ है। और आपको बताएं, इतना सरल स्वभाव के नेता और विधायक हमारे लिए कभी नहीं रही। अगर आप उनके घर में चले जाइए तो नंगे पैर आप चले आएंगे आपकी समस्या को सुनने के लिए। कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने घर घर राशन बांटा है, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि मैंने नाजिकपुरे में मुसलमानों के बीच में, अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में मैंने उनके द्वारा दिए हुए राशन को खुद बांटा है। अब आप समझ लीजिए कि कितना उन्होंने कार्य किया। अनुपमा जायसवाल जी का कार्यकाल पिछली बार
कथित तौर पर तमाम विवादों से घिरा रहा और फिर जब टिकट वितरण को लेकर आपके संगठन के ही लोग उनका जबरदस्त विरोध किए, क्या लगता है इस बार भीतरघात का डर नहीं आपको? देखिए अशफाक जी, आपको बताए भारतीय जनता पार्टी को आप सिर्फ राजनीतिक पार्टी क्यों मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक भाजपा परिवार की तरह है। अभी आपके घर में कोई विवाद हो जाए, दो भाइयों के बीच विवाद हो जाए, लेकिन जिस दिन आपका बुजुर्ग बैठेगा और उस विवाद पे कोई समाधान निकालेगा, सबके सब उस पर सहमत बन जाएगी। ऐसे ही हमारा शीर्ष नेतृत्व जिस दिन अनुपमा जायसवाल जी के नाम को प्रपोज किया है, हमारे सारे कार्यकर्ता ने उनका स्वागत किया है और हम भारी बहुमत से उनको जिताएंगे और आप देखिए बीजेपी योगी जी की सरकार भी बनने जा रही है प्रदेश में। जी जी जी, तो ये थे याकूब हैदर जाफरी साहब, इनके दावों में कितनी सच्चाई है वो 10 मार्च को पता चल जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।